हेलो दोस्तों, टेक सूर्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नेटिव से पैसे बनाना सीखेंगे, जो कि हर एक एग्जाम में आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक ना, तो इस टॉपिक को आप स्किप नहीं करेंगे। ठीक ना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा। आपको ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक ना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करना है। ठीक ना, शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें कि यह वीडियो कैसा लगा। ठीक ना, तो हम चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारा दे रखा है पॉइंट वन, आइसोलेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। तो आइसोलेटिव मीन्स जानते हो, एक तरह से देखा जाए तो सकारात्मक वाक्य। ठीक ना, कैसा वाक्य? सकारात्मक वाक्य, जिसमें हम निगेटिव नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, उस टाइप के वाक्य को क्या बोलते हैं? आइसोलेटिव वाक्य, आइसोलेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक ना, तो सेंटेंस हमारा कई प्रकार के होते हैं। ठीक ना, तो उसके बारे में हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है? तो पहला रूल इसमें है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना चाहिए। ठीक ना, इसके बाद क्या करना चाहिए? जो ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट के रूप में ले गए होते हैं, उसके पहले हमें क्या करना होता है? बाई लगा देना होता है। ठीक ना, तो इस टाइप्स के हमारा क्या होते हैं कि पैसिव में चेंजेस होते हैं। ठीक ना, अब चलते हैं रूल नंबर दो। ठीक ना, रूल नंबर दो कहता है कि वर्ब का तीसरा रूप, यानी जो हमारा वर्ब होता है, अगर वह फर्स्ट फॉर्म में है तो हम जब उसका पैसिव बनाएंगे तो उसे हम ऑलरेडी किस रूप में ले जाएंगे? उसके थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक ना, और टेंस के अनुसार वर्ब टू बी यानी सहायक क्रिया का उपयोग करेंगे। ठीक ना, जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, करते हैं, लेकिन टेंस के अनुसार कौन सा टेंस है उसमें हम किस टाइप के वर्ब का उपयोग करेंगे। ठीक ना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे क्या होता है कि हमें ये कन्फ्यूजन करता है कि किस किस टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा और किस किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इन कन्फ्यूजन को आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और किस किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक ना, तो चलते हैं। हमने एक टेबल बना रखा है, जैसे पहले में क्या है टेंस, फिर दूसरा टेबल दे रखा है इंडेफिनिट, तीसरा कंटीन्यूअस, चौथा परफेक्ट, पाँचवा परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक ना, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ई एस या ई एस का उपयोग करते हैं। ठीक ना, लेकिन उसका जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एम, इज, आर का उपयोग करेंगे। ठीक ना, लेकिन जब हम चलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में तो इसमें क्या करेंगे कि एम के साथ बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग का उपयोग हम करेंगे। ठीक ना, लेकिन कंटीन्यूअस में हमारा क्या जुड़ जाएगा? वर्ब के साथ बीइंग जुड़ जाएगा। ठीक ना, और जैसे ही हम परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? हैज बीन, हैव बीन, हैज हम किस के साथ उपयोग करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन का प्रयोग यानी हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं। लेकिन हमारा लास्ट वाला पॉइंट क्या दे रखा है कि इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस का हमारा किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक ना, अगला आता है पास्ट। ठीक ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जैसे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, लेकिन जब उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं? वाज या वेयर सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। ठीक ना, लेकिन हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग करेंगे तो या बनाएंगे तो उसमें हम बीइंग लगा देंगे वर्ब के बाद। ठीक ना, और पास्ट परफेक्ट में हम हैव उसके साथ बीइंग का उपयोग करेंगे। ठीक ना, लास्ट इसमें हमारा थर्ड नंबर टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल के साथ वी का उपयोग, सेल साथ वी का उपयोग हम करते हैं। ठीक ना, तो इंडेफिनिट टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट का हम क्या पैसिव वॉइस बना सकते हैं? जैसे उसमें क्या करना पड़ेगा? विल के साथ हैव बीन लगाना पड़ेगा और सेल के साथ हैव बीन लगाना पड़ेगा। जैसे हमने बताया है कि विल किसके साथ प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन सेल हम किसके साथ प्रयोग करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इस टेंस का भी क्या यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब चलते हैं हम एग्जांपल की तरफ। ठीक ना, जैसे इसमें दे रखा है कि हरी टीच मोहन। ठीक ना, तो ये हमारा क्या दे रखा है? एक्टिव वॉइस, लेकिन इसका पैसिव क्या बन जाएगा?
मोहन इज टॉट बाई हरी, जो हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। लेकिन हमने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगा देंगे, बाई, और वर्ब का किस रूप में लिख देंगे, तो थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। इतना चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, दे बिलीव मी, ठीक है ना, ये हमारा आइसोलेटिव सेंटेंस है। आइसोलेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें हम नॉट का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो हमारा आइसोलेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, आई मी का आई, आई के साथ आई एम, बिलीव का थर्ड फॉर्म बिलीव्ड बाई देम हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा देर का, सबसे पहले उसमें देखेंगे कि टेंस का कौन सा रूप देर का है, इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस या परफेक्ट है, उसके अनुसार हम चेंजेस करेंगे। जैसे ये हमारा ही इज प्रेजिंग मी, तब जानते हैं कि आई एन जी किसके किस टेंस में, यानी किस टाइप टेंस में उपयोग करते हैं, और हम इसके यानी वर्ब से पहचान करेंगे, ठीक है ना। तो ही इज प्रेजिंग मी, इसका मतलब ये हुआ कि वह मेरा प्रशंसा कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आई एन जी लगा है, तो हमने क्या बताया कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस की बात आए तो हम क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस में लगाएंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे वर्ब के साथ, ठीक है ना। तो इसका पैसिव हो जाएगा आई एम बीइंग प्रेज्ड बाई हिम, ठीक है ना। तो इतना हमें क्या करना होगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को एक्टिव से पैसिव बनाना सीख जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा कमेंट